दोस्तों, मेरे किचन की दुनिया देसी फ्लेवर्स बाजार उसी में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेड की एक रेसिपी बनाऊंगी। जी हाँ, ब्रेड की। लेकिन मैं आज ब्रेड के अंदर के पार्ट को ना यूज के आज मैं ये जो साइड का पार्ट है जिसे हम लोग ऐसे कट करते हैं और इसे फेंक देते हैं, कोई भी रेसिपी बनाने वक्त ये फेंक देते हैं, तो आज मैं इससे एक रेसिपी बनाऊंगी जिसे देख के आपको लगेगा कि अब हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सभी ब्रेड को के साइड को इस तरह से काट लेते हैं। मैंने ब्रेड के साइड के टुकड़ों को काट के एक साथ रख लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इसके बाद से हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, साथ में हम काली मिर्च पाउडर भी ले लेंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चलिए चाट मसाला भी देख लीजिए, वो भी डाल दूँ। मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है। चाट मसाला डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे से चले जाएं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से मिला लूँगी ताकि नमक भी अच्छे से इसके अंदर चला जाए। अब चलिए हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और साथ में मैं इसके लिए एक बैटर भी तैयार करूंगी जो कि मैं अब आपको दिखाती हूँ कैसे तैयार करूंगी। चलिए इसको साइड में अब रख देते हैं। बैटर बनाने के लिए हम थोड़ा सा मैदा लेंगे, 1 चम्मच मैदा, और साथ में हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर चाहिए। कॉर्नफ्लोर भी हम 1 चम्मच ले लेते हैं। ये देखिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ले लिया। अब इसे पानी के सहारे मिक्स कर लेंगे। इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर बन चुका है। इसमें हम थोड़ा सा हरा मिर्च डालेंगे। हरा मिर्च को छोटा छोटा एकदम बारीक सा टुकड़ा काट के इसमें हम डाल देंगे। इसको चलिए साइड करते हैं और हरी मिर्च काट लेते हैं। ये देखिए हमें हरी मिर्च लेना है, यही है, एकदम पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ये देखिए इन सभी को ऐसे उठा के और बैटर के अंदर डालेंगे। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स चाहिए। चलिए देख लेते हैं ब्रेड क्रम्स भी कितने लगेंगे। ये मैंने एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ले लिया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना है तो आप, मैंने ये जो बैटर तैयार किया था उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मैदा लेके आप उससे भी एक कोटेशन बना सकते हैं। चलिए अब गैस के पास चलते हैं। मैंने पैन गरम कर लिया है, अब इसमें तेल लूँगी। जब तक कि तेल गर्म हो रही है, चलिए हम लोग अपने वो जो ब्रेड का जो मैंने टुकड़ा काटा था उसके ऊपर एक लेयर बैठा लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से मिल चुके हैं मसालों के साथ। अब हमें क्या करना है, मैंने ये जो बैटर तैयार किया था उसे भी इसके साथ रख लेंगे। और साथ में हमें ये जो ब्रेड क्रम्स लिया था इसे भी रख लूँगी। अब हमें करना क्या है, हमें एक एक ब्रेड को इस तरह से इसके अंदर ड्रिप करके अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का कोट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सभी को हम कोट कर लेंगे। देखिए सभी के ऊपर मैंने एक लेयर बना लिया है। अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इन्हें एक एक करके इसमें डालूंगी। सभी को हमें डीप फ्राई करना है। आपने आलू के तो फ्राइज खाए ही हैं एक बार,
ब्रेड के भी फ्राइज बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इवनिंग स्नैक्स हो चाहे बच्चे को टिफिन में देने के लिए, ये बहुत काम आते हैं। इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये अलग तरह की रेसिपी है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। चाहे शाम को अगर चाय के साथ इसको किसी को दे तो बहुत ही पसंद से वो इसे खाएंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए आवाज़ सुन रहा है कितना क्रंची बनी है। हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अब ब्रेड के साइड वाले टुकड़ों को फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही बढ़िया आइटम है, बहुत क्रंची भी बनती है। देखने के बाद आवाज़ सुन लीजिए, ये देखिए। चलिए आइए आप टेस्ट करके देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।